दिन था 9 अगस्त 2024, जहां पूरा देश 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के एक लड़की के घर में मातम मनाया जा रहा था। जहां पूरा देश आज़ादी का पंचम लहराने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लड़की के माँ बाप इसकी अंतिम दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जिसके चलते पूरे देश में सभी डॉक्टर, सभी महिलाएं, सभी लड़के लड़कियां प्रोटेस्ट पर उतर आईं। आखिर क्या थी वो घटना, क्या हुआ था उस रात उसके साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये सारे सवालों को आज के वीडियो में खुलासा करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता रेलवे स्टेशन के करीब 550 मीटर की दूरी पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक लड़की की लाश पाई गई, जो पूरी नग्न अवस्था में थी। जांच में यह पाया गया कि उसके साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया। वो लड़की और कोई नहीं, उसी हॉस्पिटल में 31 वर्षीय पीजी कर रही ट्रेनी डॉक्टर थी। घटना की रात वो अस्पताल में एक सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। उसे कहाँ पता था कि उसके साथ जो होने वाला है, उसके बाद उसे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। तभी आरोपी संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था, उसने पहले एक मरीज के परिवार के सदस्य के साथ शराब पी, उसके बाद वह सेमिनार हॉल में घुसा, जहाँ पीड़िता आराम कर रही थी। वहाँ उसने महिला डॉक्टर के साथ पहले हाथापाई की, फिर जोर जबरदस्ती के साथ बलात्कार किया। वह गिरगिराती रही, छटपटाती रही, संघर्ष करती रही, लेकिन उसे बचाने वहां कोई नहीं आया और उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे में हुआ कि उसकी मौत गला घोटने से हुई थी और उसके शरीर पर कई चोटें पाई गई, जो बताती हैं कि वह अपने बचाव में संघर्ष करती रही। इतना ही नहीं, जाँच की रिपोर्ट और मीडिया से पता चला कि पोस्टमार्टम में 5 खुलासे किए गए हैं। अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण टेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया, जिससे गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इस घटना ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा किया है। कोलकाता और अन्य शहरों में डॉक्टरों और नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किए। कई अस्पतालें, कई हॉस्पिटल पूरे देश में कई दिनों तक हड़ताल पर रहीं। जिससे पूरे देश में मरीजों को कई परेशानियां हुईं और राज्य सरकार पर कड़ी आलोचना की गई। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है और कई अधिकारियों को इस घटना के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह घटना न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर सवाल खड़े करती है। इस मामले में राज्य और देश की राजनीति भी हलचल मच गई है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। इस घटना ने न केवल उसके परिवार को गहरे शोक में डाला है, बल्कि उसके सहकर्मियों और पूरे चिकित्सक समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है। संजय रॉय एकदम घटिया किस्म का इंसान था। ये देखिए, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि संजय रॉय 33 साल का कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों का करीबी है। इसके बाद वह आजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय आजीकर अस्पताल में पेशेंट की भर्ती कराने के नाम पर पैसा वसूलने का रैकेट भी चला रहा था। वह कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसने अपने बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगा रखा। रेप मर्डर के बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो गया। उठने के बाद उसने अपने कपड़े तक साफ किए थे। उसके जूते पर खून के धब्बे। संजय को पोर्न देखने की लत थी।
उसके फोन में कई हिंसक अश्लील वीडियो मिले। उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी 4 शादियां कर चुका था। हिंसक व्यवहार के कारण सभी पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। चौथी पत्नी ने घरेलू हिंसा के शिकायत भी दर्ज कराई थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसके घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहीं। भारत में कई ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक मामले सामने आए हैं जिसमें लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठाती हैं। हमारी सरकार से विनती है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कानून बनाए जाए ताकि आगे ये लोग ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।